अभी जो अपनी KTM है, मतलब चला के मुझे कुछ चीजें अभी पता चली है इसकी, बस मैंने पुलिस वाले को ध्यान रखना पड़ा है। आज ले रहे हम जल्दी चंदन की डिलीवरी, पानी गिला नमकीन कौन ले कर, इनके वजह से नहीं एक्सीडेंट हो जाए। सो हेलो जी, क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तो सबसे पहले जय श्री राम आप सभी को, और उम्मीद करूँगा कि आवाज़ आ रही होगी इसके अंदर। तो आज ना मेरी KTM पे मतलब अब तक की मतलब थोड़ी सी 60 किलोमीटर की राइड में आज करूँगा, इतने दिनों के लाया था मैं इसको, थोड़ा सा है बस यार। इतने टंकी फुल कराई थी, इतने एक डंडा मतलब अभी चलेगी ना तो ये फुल हो जाएगा आज, तो इसका भी मैंने पेट सा भर दिया क्योंकि 60 किलोमीटर की राइड है तो रिस्क नहीं ले सकते 1% अभी, ठीक है। बाकी अभी थोड़ी देर में करूँगा मोटो व्लॉगिंग, थोड़ा सा चाना ना बिगड़ जाएगा, और अभी फ़ोन के अंदर वो दिख रहा होगा लेकिन इतना है नहीं, तो वही सीन है। मंदिर में होगा था संडे राज ज्ञानपुरा मंदिर में, तो अभी थोड़ी देर में मोटो व्लॉगिंग करेंगे। बाकी ना स्टार्ट करता कहाँ था भाई, कहाँ से कटेंगे आज रोड पर। ला भाई कर दे अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप यार, ऑन हाईवे हूँ मतलब। जय बाबा भाई, भाई ये रेल जोड़े में इतना मजा होगा नहीं जिसका कोई हिसाब नहीं है। अरे वो करनाल है भाई, ये गयो वो है क्या कर हमारा कॉलेज एक टाइम पाए थे भाई हम यहाँ से। बाकी थोड़ा सा रेल दूंगा आवाज ना आने की मेरी, ठीक है। इनकी वजह से नहीं एक्सीडेंट हो जाए, बाकी मैं रेस दे रहा इसकी वजह से भी हो जाए, पर मैं भाई इतनी पहन लूं जितने मैं कंट्रोल कर सकूं। लाड ले बाकी एक कट सी आवा नहीं रास्ते में, ये तो ये मेरे का निमोड़ने का ही हुआ है यहाँ थोड़ा सा। अगर आप अगर रेस मतलब स्पीड अप कर रहे हो तो यहाँ थोड़ी सी कम कर लग रहे हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा नो हो जाए अगर एक्सीडेंट के ज़्यादा चांसेस हो है। तो भाई लाइफ इज इम्पोर्टेंट ब्रो, और ये लीन भाई लीन ही भी लग नहीं रहे मेरे पे क्योंकि गात में थोड़ी कमजोरी सी है। बाकी मजा भाई मेरा डर सा लग रहा है लीड मारते टाइम, क्योंकि थोड़ा गात सा आ जाता नहीं वो चक्कर है, यानी लीन मारने में तो बहुत मजा आना ले। आई टी आई चौक लग रहा करनाल वाला, इसके पीछे नंबर प्लेट भी थे अपनी बाइक के, अगर पुलिस मिलेगी तो देखा जाओ भाई के सीन होगा। बाकी आज भाई मैं बुआ के जा रहा, थोड़ा सा बीमारी वाला सीन चल रहा था नहीं, मतलब पहले मैं बीमार था और फिर बुआ के सारे बीमार थे, और भी रिश्तेदार भाई हम रिश्तेदार बहुत अच्छे रिश्तेदार है, तो मैं देखने जा रहा ये भी घर बुआ की भी एक बनी, बाकी सारे घर की भी कर दू अपनी छोरे। यार इसका एग्जॉस्ट है नहीं यार बस मैंने पुलिस वाले को ध्यान रखना पड़ा कि आगे कोई ना किसी पर ना खड़ो, और इस वाले रूट पर तो खड़े रहे, इंद्री वाला रूट है वो। बाकी देखेंगे भाई, मिलेंगे तो जिब से ही, ना मिलेंगे जिब से ही के कर लाडले। बाकी यार जो जो टाइम है ना मेरे पास अभी मेरा स्ट्रगलिंग पीरियड, इसमें स्ट्रगल भी है भाई देख, और मजे भी आओ मतलब मजे, फिर ये चीज़ है नहीं मेरे पास बाइक है, और मैंने बाइक का बहुत ज़्यादा शौक है भाई, तो वही चीज़ है आप स्ट्रगल कर रहे हो और इंजॉयमेंट भी उसके साथ साथ हो रहा है, तो बहुत बढ़िया सीन है। तो बस इसी सीन के साथ हम चल रहा है, मतलब आप सपोर्ट करते रहोगे तो खांचे कट जाएंगे मेरे भी, और आने वाले टाइम में मैं भी कॉन्टेंट कुछ ऐसा लाऊंगा जो मतलब लोगों ने एक्सपेक्ट करा होगा, और कुछ तो ऊपर कर दूँ मैं, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सोच रखा, पर वही चीज़ हो रही भाई जब आत मनी हो मनी फिर कहीं देखने जाता नहीं, ऊपर लग रहा स्पीड कैम अगर दिख रहा हो आपने देखो यहाँ करनी पड़ेगी ड्राम तह इनके भाई चला ना जाते हैं करनाल छे प्रधान, पीछे तो कुछ है ही नहीं मेरे, अच्छा आगे भी है एक और दोनों को नहीं लगाते वही तो फोटो खींचे कचक देसी माना प्रताप
उज्जैन विश्वविद्यालय डाल लिया करनाल करेंगे स्पीड अप, बस स्पीड अप करेगा इन रोड पर फायदा नहीं है। नहीं तो भाई ये तंगे था गौ माता आ जाए या कोई भी डंगर आ जाए वो चक्कर है। और ये देख ये साधन चला है ना, तो मेरे हिसाब से जो ये वाले रोड है इन स्पीड अप ज़्यादा करो ही ना, इतना करो जितना कि आप एकदम कंट्रोल कर सको वो सीन है। यानी इन पर स्पीड अप करेगा तो भाई नुकसान है, मतलब बहुत ज़्यादा दिखा, क्योंकि इनके बीच मतलब गड्ढे में ज़्यादा रोड हो गए, ऐसा सीन है, बहुत ज़्यादा सीन है, ये रोड ही सही नहीं है। थोड़ी देर मतलब बिल्कुल प्लान चलेंगे, स्मूथ चलेंगे, इवन मूज ही करेगा कि भाई बाइक नंबर क्या दे बस कौन से कट गए तो, और फिर थोड़ी देर बाद मूव हो जाएगी। अब भाई यार क्योंकि मैं पापा की वाली मोटरसाइकिल वो चलाई है ना, तो इस रोड पर आया मैं चलाई, तो ऐसे बिल्कुल से मेरा पूरा कंट्रोल है भाई। देख इस टाइम कि भाई दो साल एक चीज चला लें तो एक दो साल चला लें, पहले हमारा डिस्कवर थी, बाकी के टी एम बहुत ज़्यादा है हमारा, हमारे यहाँ गम बगम कितनी के टी एम रही, 5 तो के टी एम थी गम बगम, देख सौ वाली बात नहीं है, पर हम जी करता हूँ तो अच्छा है कि भाई सारे इकट्ठे रहे ना। बड़ा भाई है जो मेरा पाऊ का लड़का, वो बाइक स्टंट करा, तो मतलब उसने इतनी बाइक तोड़ दी, इतनी महंगी महंगी बाइक, अरे हम सोचे थे मतलब उस टाइम की हम मिले होंगे, पर भाई की वजह से हमारे बहुत ज़्यादा शौक पूरे हुए हैं भाई, तो छोटा एक अगर मैं यो फायदा है कांचे कट जाए। भाई जो चीज ला मतलब कपड़े ला भाई के कपड़े पर महंगे महंगे, और ये तो चल अपने ही लाने के इतने महंगे महंगे पूछे ना, बस एक अपने ही के टी एम होगी अपना आईफोन वगैरह, ये गिफ्ट छोटे से हम सोच रहे थे मगर यो करेंगे हम भी नो करेंगे, पर कर रहे हैं भाई, ये भी तो हमारे बापू ही शौक पूरे कर रहा, मेहनत हम कर रहे हैं, इस दिन मेहनत हमारी सक्सेसफुल हो जाएगी फिर हम बापू के शौक पूरे कर देंगे। कहते क्यों नहीं, वही बात है भाई, भाई लगे रहो कोई चक्कर नहीं है, कुछ नहीं पता ऊपर वाले का कद लगा था कि बेटे चलेंगे तेरी गड्डी, ओए हाय हाय बाकी मजे आ मोटर ब्लॉगिंग मतलब यो सीन है गड़ गड़ कर दी या मतलब पब्लिक मेरे पे ना अगर इन 360 होता तो वहाँ पे पब्लिक रिएक्शन दिखाता रोड पे भी, मतलब गड्डी मतलब लोग मुँह देखा मुड़ मुड़ कर, भाई सुपर बाइक तो मैंने ले ली है चाहे घर का गेयर बन जो, मैंने एक दिन गए था मैं जटप्रॉप जो तो भाई की मीटअप पर गया था, तो मैंने भाई की H2 की साउंड भी सुनी, मैं कह रहा भाई खत्म हो उनके आगे भाई, और जो अपना लव है ZX10R भाई मैंने जो सामने देखी है ना बाइक, मतलब वीडियो में मेरे को बहुत ज़्यादा छोटी लगा, जो KTM है मैं सुना अपनी KTM में देखूँ तो यार वीडियो में बहुत छोटी लगा, और जो रियल में मतलब बड़ी है ये साइज में, यूज साइज है इनका थोड़ा सा, तो H2 का मतलब एक सही साइज है, एक नंबर का कॉम्पैक्ट पॉकेट रॉकेट तो यह, बाकी H2 तो भाई सब तो ऊपर है, बाकी जो ZX10R है ना मतलब थोड़ी सी लंबी लगी उस टाइम, मैंने पता नहीं क्यों, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा ना ZX10R, इसकी वजह से थोड़ा सा थोड़े ज़्यादा प्यार तो देखी होगी मैंने H2, वो चक्कर होगा। मैंने वो ZX10R थोड़ी से ज़्यादा प्यार दिखी होगी, तो बस मैंने जाए था वो बड़ी लगी थोड़ी सी साइज में, और भाई जो मोटरसाइकिल आया ZX10R वही नहीं पब्लिक का लगा, बाइकर्स हमेशा सोचेगा कि अपनी जिंदगी में एक बार सोचेगा कि भाई ZX10R मेरे पास हो, भी अपने पास KTM है तो ये भी बापू के पैसे भी नहीं मेंटेन कर रहे वो सी ना भाई थोड़ा सा, बाकी देखेंगे भाई एक दिन अपना ब्याह होगा जिस दिन हम भी होंगे, आज ले रहे हम ZX10R की डिलीवरी। भाई गाँव वाले सारे मेरा मजाक उड़ावा वो चीज़ों में, मतलब भाई जिक्र लोग मैं बोलते रहूँ नूगा 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 तो जिक्र मैंने बात बोली हल तो कमली उड़ा देगा मेरा मजाक। कमली भी यूपी जा रहा और मैं जा रहा यमुनानगर रदो, तो वही चीज़ है भाई लाड ले, अगर मेरे साथ कमल होता नहीं तो हम उस पर हाईवे पर रील बनाते दोनों फोटो खींच रहे तट की तड़क, ये सिस्टम अपना हम दोनों साथ हो तो कुछ ना कुछ कर दे रहा है, दो क्रिएटर मेरे लिए बाइक कर देख रहे हैं, मजे आओ पूरे कोर्स तेरा वाला जे दे ये चीज है ना, ये चीज मांडी है ऐसी एकदम मुंह था नीचर से एकदम ऊपर, अगर मैं ज्यादा ही स्पीड होता नहीं तो और साइड मत रखता और थोड़ा सा वो था कर भी था तो या तो आगे तक नूट दी और पर लेकर नहीं जानती है तो वो चक्कर है भाई। अच्छा यार मैं अपनी मतलब जो मेरी बात है मतलब जो अदर स्टेट के वो हैं जो मैंने देखा है उन्हें थोड़ी समझ में आ जाए या नहीं, क्योंकि
भाई मेरे हिसाब से तो बहुत आसान है, क्योंकि किसी की भी कोई भी लैंग्वेज है उन्होंने आसान ही लगा है। तो अगर भाई किसी के समझ में ना आए थोड़ी सी मैं कोशिश ज़्यादा ही करूँगा कोशिश कि मैं थोड़ी सी हिंदी ज़्यादा प्योर बोल सकूँ, तो भाई हिंदी और हरियाणवी थोड़ी मिक्स हो जाए, तो उसके लिए थोड़ा सा खेद है। बाकी जो बंदा ओरिजिनल रहेगा ना तो वो ओरिजिनलिटी थोड़ी सी बढ़िया लगा। हाँ भाई रुक जाओ बीबी, बॉडी तो सही हो जू तो उसके बाद करेंगे लीन पीन। यह चीज होगा नी, यह चीज लोग मैं बहुत बुरे लगा कंसोल KTM का न्यू आठ गया और यो जाओ सारी। पर इसमें मेरे पर भाई iPhone 12 है ना, तो इसका इतना वाइड एंगल है, GoPro में थोड़ा ज़्यादा वाइड हुआ है, तो वो सही ना बस थोड़ा सा। तो यार अगर आप वीडियो शेयर करोगे, अगर वीडियो पर लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तो यूट्यूब ने पूरे कहीं बंदे इसकी वीडियो पर ज़्यादा एक्टिव हैं, तो इसके वजह से ना थोड़ा सा अपनी ग्रोथ हो जाए। यूट्यूब ना अपनी वीडियो ना रिकमेंडेशन में भेजा, रिकमेंडेशन में भेजेगा तो भाई अपनी ग्रोथ होगी, वीडियो चलेगी, पैसे आएंगे, पैसे। मेरा चैनल अभी मोनेटाइज है ब्रो, तो उसकी भी कोई चक्कर नहीं है ना, उसकी कोई दिक्कत है। अपने ना मेहनत करके मोनेटाइज करा था मैंने ना, पहला चैनल था जो करा मैंने ना वो 11 महीने में मोनेटाइज करा था। और जो यो वाला मेरा यूट्यूब चैनल है भाई, जिस पर मैं अभी रिसेंटली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मैंने 28 दिन के अंदर मोनेटाइज कर दिया था। पर वही बात है यार, मैं कंटिन्यू तो रह लूँ पर मैं थोड़ा सा बीमार हो जाऊँ, पता नहीं यार मेरा गलत साथ नहीं देता, वो चक्कर है। यानी कुछ लाइफ प्रॉब्लम हो जाए, इतना हो जाए कि आधे बंदे ऐसा दिल तोड़ जाए कि बस ऐसा टूट जाऊँ मैं यार, पता नहीं कैसा आदमी हूँ मैं, बच्चा हूँ भाई यार की कर। थोड़ा सा राम जी भी आधी बार ऐसा करता है। एक टाइम था मैं जिम कर करूँ तो उस टाइम शायद एक बढ़िया पोजिशन में आएगा था मैं अपनी, कि हाँ अगर मैं इस तरह कंटिन्यू कर रहा तो मैं कंपटीशन वगैरह भी लड़ दूंगा एक दो साल में। मतलब मैंने 8-9 महीने जिम करी थी, क्योंकि मैं कालिस्थानी कर रहा था पहले, मगर काम नहीं करूँ था तो वो चक्कर था। तो काफ़ी सही कट वगैरह भी आ गए थे, मतलब सही से आ गए थे। मैं यहाँ फोटो पोस्ट कर दूँगा दोनों, एब्स वाली भी और बैक वाली भी। बाकी आपने पता ही है मैं कालिस्थानी कर रहा था, मैं तो बार बार दिखाई तक ये फायदा। तो उस टाइम भाई मेरा भाई पूरा हो गया था ताऊ का लड़का, तो फिर उसके बाद तो मतलब लाले मैंने अपनी जिंदगी झंडी सी कर दी, बिल्कुल ही झंडा कर दी थी। फिर यार कुछ मतलब हो जाए, यार दोस्त भी हो गए बहुत से, दो बोले यार हो बीच में जो मुँह भाई भाई और पीछा बुराई सारे बहुत मिले भाई इस जिंदगी में। जी भी तो कहूँ भाई बड़े आदमी लोग बैठे करो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो भाई, हम छोटे हैं इब जिंदगी में धक्के खाने करे या वो कर रहे, स्ट्रगल कर रहे, मेहनत कर रहे, उसका रिजल्ट हमारा मिलने लग रहा, तो वह सारी चीज़ मारे लगा हो है, वह सारी चीज़ मारे माइंड में हम हमेशा रखो उस चीज़ ने। तो जिक्र आगे जाकर बड़े होंगे, जिक्र हम बड़े लोग बैठेंगे तो अपने जिक्र वो एक्सपीरियंस बताऊँगे। इब हम हो गए इब अगर आने वाले टाइम में जो जाकर तुम्हारा लगा बैठे करेंगे भाई हम बताऊँगे वहाँ नू करा नू करा या तो भाई नू कर तो तेरे खातर सही है वो चक्कर। अगर मेरे साथ तो मोटो लोग यो यार 15 मिनट हो गया क्योंकि फोन में दिख रहा, तो मैं शायद अभी ना बंद कर दूँ ठीक है कि फिर अब करेंगे अगर पुलिस वगैरह आई तो। ब्रेकर अपने दुश्मन, ठीक है भाई थोड़ी सी देर में मिलूँ, थोड़ा सा मार्केट में कह दूँ जब आप आई नचलेंगे गेंगे दिखे थे ना खुद कुछ देखिए इसका मुँह दिखा पूरा रख खड़ो जाओ टफी खड़ो खड़ो जाओ खड़ो जाओ खड़ो जाओ देखिए इसके अंका देख 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 पूरी देख टफी टफी अरे टफी ऊपर देख कितना क्यूट है तो अनि यो क्या कर रहा तो यो वाइब्रेशन कैसी हो रही है पानी के लो नमकीन कौन लाया करे नमकीन पहले ऐसे रिश्तेदार हमारे रिश्तेदार यो भी रखो यार अरे पीवें की कर इनमें पानी भर रहा दोनों में इनमें दोनों में पानी है तोनू बता पीवें की कर यार कम तक मैं ढंग से कर लो ढंग से
आड़कर देख मन नहीं उठ गया देख लाने खातर। भाई रास्ते में ना एक जगह रुका था और अभी ना आपको एक सीन दिखाता हूँ, मतलब के कुछ ऊपर सीन है ठीक है। मैं अभी का सीन ये है भाई, ये अगला दिन है, मैं आ गया था रिश्तेदारी से, बुआ के घर से आ गया था। तो अभी जो अपनी के टी एम है, मतलब चला गया, मुझे कुछ चीज़ें अभी पता चली है इसकी, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है मेजर ऐसा। तो एक तो यहाँ पे ये मोटर था जब गियर लगाते हैं गियर वाला लीवर, बाकी गिरी की थी ना जब तो पता ही वो टूट गया ना पिछले ने बदल गया मैं। बाकी एक दो चीज़ और है, मतलब जो लूज़ हो रही है, मतलब चलाने में ना कोई प्रॉब्लम है ना कुछ है, कांचे कट गए। मेरे सब बत्ती बहुत चले काली कार बैठे कार विच फेरे चुनवे जे यार ये बट खान पीते पंगे जान जा लेंदे असि बैठे हां बठाया बंदे उठने नहीं दंदे लेंदे मिंटो मिंट पट ना तू हस पल्ली।